खबर बिजनौर से। बजरंग दल द्वारा मनाया गया शौर्य दिवस, निकाली संचलन रैली, बाजार में रैली, फूलों की वर्षा करके लोगों ने किया जोरदार स्वागत। रैली में हजारों कार्यकर्ता का उमड़ा जनसैला। रैली में जमकर नारेबाजी, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। धामपुर के इंटर कॉलेज के फील्ड में बजरंग दल द्वारा सभा का आयोजन किया, उसके बाद नगर में रैली निकाली गई। मुख्य अतिथि मनोज वर्मा ने कहा, 1992 से ही अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए पत्थरों का कार्य चल रहा था, कसम खाई थी मंदिर वहीं बनाएंगे, भाजपा की सरकार बनी और मंदिर का निर्माण हुआ। उन्होंने जोरदार नारेबाजी की, भारत में यदि रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम जैसे नारे लगाकर रैली में बजरंग दल के कार्यकर्ता चल रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर आदित्य अग्रवाल ने की, संचालन कैलाश उपाध्याय, बीएचपी के जिला अध्यक्ष अनिल के गोयल, उपाध्यक्ष अरुण चौधरी, एडवोकेट निखिल अग्रवाल, सुनील गुप्ता, पंडित दिनेश चंद भारद्वाज, पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह ठाकुर, सौरव आदि लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। और इस मैदान में उपस्थित हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित, विशेष दिन के साथ अपने सामने है। हमने उपस्थित है सौर दिवस को याद करने के लिए। आज जो तरुणाई हमें सामने दिखाई पड़ रही है, उस तरुणाई का जन्म तो धामपुर के इंटर कॉलेज में बजरंग दल द्वारा कार्यक्रम किया गया है। क्या संदेश देना चाहते हैं? बजरंग दल का सौर दिवस का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष होता आ रहा है। इस वर्ष पूरे देश भर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सौर संचलन निकाल कर देश की सुरक्षा के संकल्प को दोहराया है। समाज को विश्वास दिला रहे हैं कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए बजरंग दल सदैव तत्पर रहेगा। उसी के निमित्त सौर दिवस का कार्यक्रम धामपुर में भी आयोजित हुआ है।